नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूँ पूनम शर्मा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के ऐतिहासिक कदम के बाद अब सभी की निगाहें ऐसे राज्यों की ओर टिकी हैं, जहां पर पूर्ण शराबबंदी को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद हो चली है। ऐसे ही राज्यों में से एक है राजस्थान। यहाँ शराबबंदी की मांग को लेकर कमान अब महिलाओं के हाथ में है। कहीं गुलाबी गैंग बन गई है तो कहीं आंदोलन की चेतावनी, और कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन शराब प्रेमियों का विरोध भी यहाँ पर झेलने को मिल रहा है, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुक रहा। आज बात इसी पर करेंगे, क्योंकि सुरूर की चाहत में तबाह हो रही है कई जिंदगियां। शराब के खातिर टूट रहे हैं कई परिवार, लेकिन अब उठ खड़ा हुआ है प्रदेश, क्योंकि राजस्थान को चाहिए बर्बादी से आजादी। प्रदेश के अलवर, जोधपुर, राजसमंद, यही नहीं राजधानी जयपुर में भी शराब के ठेकों को बंद किए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठने लगी है। ठेकों को बंद करने के लिए आए दिन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला परवान पर है, लेकिन क्या वाकई इसका कोई असर नजर आएगा? चौंकाने वाली बात तो यह है कि पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पूर्व विधायक गुरुचरण छाबड़ा को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। लेकिन हाथ तो तब हो गई जब सरकार उस दौरान भी मूक बनी रही, टस से मस नहीं हुई, और आज भी यही हालात है। और खाकी का भी शर्मनाक चेहरा इस दौरान सामने आ गया है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में पहली बार था जब पूर्ण शराबबंदी की मांग पर बेमियादी अनशन पर बैठे एक जनप्रतिनिधि ने सरकार के रवैये के आगे घुटने टेकते हुए प्राण त्याग दिए हों। इसके बाद भी प्रदेश के अलग अलग कोनों से शराब के विरोध को लेकर हंगामा जारी रहा, जो लंबे समय से चलता भी आ रहा है। प्रदेश के अलवर में भी महिलाएं शराबबंदी की मांग को लेकर आगे आ रही हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिलने लगे हैं जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की होगी। उनमें कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो कानून का वो चेहरा सामने ले आया जो शायद ही अलवर की महिलाओं ने सोचा होगा, और प्रदेश की जनता भी कानून के रवैये से हैरान रह गई। चलिए शराबबंदी की मांग के प्रदर्शन से पहले आपको सबसे पहले प्रदेश के अलवर जिले में महिलाओं पर जुल्म ढाते हुए और महिलाओं पर जुल्म करने वाले को सिर्फ देखते हुए खाकी की वो दो शर्मनाक तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में खाकी महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटती हुई नजर आ रही है। अलवर शहर के दिवाकरी में महिलाओं द्वारा अवैध रूप से लकड़ी के खोके लगाकर बेची जा रही शराब का विरोध किया जा रहा था, लेकिन उसका खामियाजा ये मिला कि एक भी महिला पुलिसकर्मी के बिना पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को इतना पीटा कि उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में खाकी की हद तो देखिए, महिलाओं द्वारा शराब बंद करने के आंदोलन को कुचलने के लिए शराब ठेकेदार और उनके गुर्गों द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी की गई। यही नहीं, उन्होंने देशी शराब के ठेके का विरोध कर रही महिलाओं पर डंडों से हमला किया, महिलाओं की जमकर पिटाई की गई। महिलाओं पर करीब 30-40 ठेकेदार के गुर्गों ने हमला किया, एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं को चोटें भी आई और सूचना पर पहुंची पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनकर देखती रही। प्रदेश की खाकी का जरा ये चेहरा भी इन दो तस्वीरों में देख लीजिए, लेकिन इनका जवाब किसी के पास भी नहीं है, कार्रवाई तो दूर की बात है। वहीं आपको बता दें कि 15 अप्रैल को अलवर के ही एनएबी थाना क्षेत्र पर देशी शराब ठेके के बाहर महिलाएं धरना दे रही थी, तभी अचानक से ठेकेदार के कुछ आदमी ठेके पर आए और महिलाओं को धरने से हटाकर दुकान खोलने लगे। धक्का मुक्की की गई और महिलाएं वहां से हटी नहीं, लेकिन हंगामा शुरू हो गया। अब ये तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ इस विषय में, पूरी तरह से शराबबंदी ऐसा विषय मेरा क्षेत्राधिकार से तो बाहर है, लेकिन हाँ जो इन्होंने कहा है, जो इन्होंने समस्याएं बताई हैं, मैं अपने उच्च अधिकारियों को बता करके उनके निर्देशानुसार फिर हम काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जब से ठेका चल रहा है, लेकिन आज कई दिन हो गए हड़ताल होते हुए, सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, लेकिन ठेके को बंद करने के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल यहाँ रोजाना आंदोलन करते थे, लेकिन आंदोलन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी गवर्नमेंट पैसा बटोर चुकी है, लेकिन इनको बंद नहीं कर रही। वही अगले ही दिन 16 अप्रैल को अलवर के रोड नंबर 2 पर अंग्रेजी शराब ठेके के बाहर महिलाएं धरना दे रही थी,
तभी अचानक से ठेकेदार के कुछ आदमी आए, महिलाओं को धरने से हटाया गया और बीच में एक नथी नाम के युवक पर ठेकेदारों के आदमियों ने धावा भी बोल दिया था और युवक की पिटाई करते हुए उसे दूर तक ले गए। आपको बता दें कि पिटाई के दौरान युवक का कान का पर्दा तक फट गया। वहीं लोगों ने शराब ठेके के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अभी दो तीन दिन पहले शराब के ठेके को जबरदस्ती खुलवाने के लिए ठेकेदार आया और उसने मेरे साथ मारपीट की और साथ में ये कहा कि ये नथुराम सैनी अकेला विरोध कर रहा है, बाकी बाजार वालों को कोई मतलब नहीं है। इसलिए सारे बाजार वालों ने एक होकर के और स्वयं इच्छा से बाजार बंद किया है ठेके के विरोध में। तो वही शराब की वजह से यहाँ पर कई परिवार टूट रहे हैं, कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलनों और जहरीली शराब के सेवन से हो रही मौतों के बीच बिहार सरकार का शराब बिक्री पर प्रतिबंध इस मसले पर सरकार के पुनर्विचार की ओर इशारा जरूर कर रहा है। वहीं बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के ऐतिहासिक कदम के बाद अब सभी की निगाहें ऐसे ही राज्यों की ओर टिकी भी हैं और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान सरकार को भी राज्य में पूर्ण शराबबंदी का बड़ा कदम उठाने को लेकर मंथन करना चाहिए। क्या बिहार की नीतीश सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी करोड़ों के राजस्व वसूली को दरकिनार कर पूर्ण शराबबंदी का फैसला ले सकती है, ये तो देखने वाली बात ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। देखा जाए तो पूरे प्रदेश भर में लंबे समय से शराबबंदी की मांग चल रही है, लेकिन राजस्व के लालच में सरकार शराबबंदी नहीं करती। राजस्थान में शराब सरकारी राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। सालाना 6000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व अकेली शराब की बिक्री से आती है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। शराब से मिलने वाले राजस्व का मोह हर सरकार को रहा है। शराब के राजस्व के इसी मोह का नतीजा है कि सरकारें शराबबंदी करने से हिचकती हैं। विधानसभा पिछले और हाल के सत्र में भी शराबबंदी का मामला उठा, लेकिन सरकार ने ये तर्क दिया कि पूर्ण शराबबंदी संभव नहीं। सरकार पूर्ण शराबबंदी की जगह मद संयम की नीति पर चल रही है, मतलब शराब को महंगा कर दीजिए, बस जिम्मेदारी पूरी। शराबबंदी की मांग पर सरकार एक और तर्क देती है कि शराबबंदी करने से तस्करी बढ़ेगी, गैंगवार बढ़ेंगे। इसके लिए गुजरात का उदाहरण दिया जाता है। शराब से मिलने वाला सरकारी राजस्व हर साल बढ़ रहा है, तो प्रदेश में शराब की खपत भी बढ़ रही है। सरकार ने केवल शराब पर टैक्स बढ़ाकर इतिश्री कर ली है। शराब से मिलने वाला राजस्व पिछले 5 साल में करीब 3 गुना तक बढ़ गया है। 2009 से 10 में शराब से 2300 करोड़ का राजस्व सरकार को मिलता था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़ों को समझाते हैं। 2009 से 10 में 2300 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व मिला। 2010 से 11 में 2861 करोड़ 41 लाख का राजस्व। 2011 से 12 में 3287 करोड़ 5 लाख का राजस्व। तो वहीं 2012 से 13 में 3987 करोड़ 83 लाख रुपए का राजस्व। 2013 से 14 में 4981 करोड़ 59 लाख रुपए का राजस्व मिला। तो वहीं 2014 से 15 की बात की जाए तो 5585 करोड़ 76 लाख रुपए का राजस्व मिला है। अगर सरकार शराबबंदी लागू करती है तो इस 6000 करोड़ के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन राजस्व के और भी स्रोत हो सकते हैं। शराबबंदी के पैरोकारों का तर्क है कि टैक्स इकट्ठा करने में हो रही छीजत को रोककर शराब से मिलने वाले राजस्व की पूर्ति हो सकती है, लेकिन सरकार इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। शराब समाज के लिए अभिशाप है। शराब का नशा धीरे धीरे समाज को खोखला कर रहा है। अपराध की मूल वजह शराब का नशा सड़क हादसों की बड़ी वजह भी बनकर सामने आ रहा है। सड़क हादसों की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। आलम यह है कि देश में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति सड़क हादसे में मौत के मुंह में समा रहा है। राजस्थान प्रदेश देश में 5वां ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसों में मौत हो रही है। शराब पीकर वाहन चलाना एक प्रमुख
वजह बन रहा, एक खास रिपोर्ट देखिए। देश में हर घंटे लगभग 16 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि ज्यादातर हादसे शराब के नशे के कारण हो रहे हैं। राजस्थान देश के उन 5 राज्यों में शुमार है जहां सड़क हादसों में होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि जो भी दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट के केसेस हैं, उनमें ज्यादातर पाया गया है कि जो वाहन चालक है वो शराब के नशे में मदमस्त पाए गए हैं। शराब के नशे में वो अपना मानसिक संतुलन है वो पूरा तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते। उसके कारण से क्या होता है कि दुर्घटनाएं बढ़ती है। और आप ये देखिए कि दुर्घटना में कितने लोगों की जाने जा रही है और इसके अलावा कितने लोग विकलांग हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। वो जो घायल और विकलांग है वो जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ योगदान देते हैं, वो लोग अब एक तरह से समाज के ऊपर दायित्व हो गए हैं। उनका समाज उनको खिला पिला रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति है। चलिए अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां सड़क हादसों में होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या के लिहाज सबसे ज्यादा घातक साबित हुए राज्य हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। यूपी में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 16,284, तमिलनाडु में ये आंकड़ा 15,000 रहा। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 8,600 रहा। देश के महानगरों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा 2,199 मौतें हुई हैं, वहीं चेन्नई में ये आंकड़ा 1,046 रहा। भोपाल में सड़क हादसों में 1,015 मौतें हुई, तो वहीं राजधानी जयपुर में 844 लोगों की मौतें हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2012 के बाद से देश में हर रोज सड़क हादसों में 461 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में होने वाली मौतों में लगातार इजाफा हो रहा है। साल 2012 के दौरान देश में ऐसे हादसों में 68,000 लोग मारे गए हैं। इनमें 60,700 मौतें अंधाधुंध ड्राइविंग की वजह से हुए हादसों के कारण हुई है, जो कि शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे थे और यही बड़ी वजह सामने आई है। 2015 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,00,000 से ज्यादा हो गया है। सड़क हादसों की ये भयावह तस्वीर साफ इशारा कर रही है कि किस कदर शराब का नशा मौत परोस रहा है। घरों में मातम पसराने की एक बड़ी वजह शराब का नशा है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन अब कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से ये नशा लोगों के घरों को नाश कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।